हम एसी को चेक करने जा रहे हैं तो कुछ पैरामीटर हमारे होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। तो कस्टमर के यहाँ जैसे आप जाओगे, सबसे पहले तो आपने जब भी कॉलिंग पर बात होगी कस्टमर से, तो टाइमिंग सेट करनी है अपनी कि किस टाइम आपके कस्टमर के यहाँ जाना है, क्योंकि कस्टमर भी अपना टाइम के हिसाब से आपको शेड्यूल बता देगा, भाई आपको 12 बजे आना, 1 बजे आना, 2 बजे आना, ऐसे ही नहीं चले जाना कस्टमर के यहाँ। हो सकता है कस्टमर कहीं तैयार हो रहा हो, आप चले गए तो वो काम ही नहीं कराएगा, तो आपका आना जाना बेकार हो गया। तो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है कस्टमर से, जो टाइमिंग भी जिस टाइम पर आप जा रहे हो, तो कस्टमर के यहाँ टाइमिंग आपकी सेलेक्ट हो गई है, और उसके बाद जब कस्टमर के यहाँ पे आप जाओगे तो आप अपना जैसे ही बैल मारोगे तो उसे अपना तरीके से अपना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जिस तरीके से टाइम टेबल के हिसाब से आप जा रहे हो वो आपने बात कर। उसके बाद कस्टमर के बाद जब अंदर आप एसी के पास पहुंच जाओगे जिस रूम में या जिस कहीं पे भी एसी लगा हुआ है, तो अब कस्टमर से आपने पूछना है कि सर इसमें आपको एसी में क्या दिक्कत आ रही है, तो कस्टमर फिर अपना आप हिसाब से उसमें बताएगा। तो कस्टमर 2-3 चीज़ें बताएगा, या तो कस्टमर यही बोलेगा बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रही है, या भैया थोड़ी कूलिंग कर रहा है थोड़ी नहीं कर रहा है, या करेगा भैया बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है जैसे चला रहे हैं इसको, ठीक है ना, या कुछ देर कूलिंग करता है बंद हो जाता है, तो ऐसे 3-4 वो फॉल्ट आपको गिनवाएगा। तो आप बोलो ठीक है मैडम ऐसा है हमारा जो इसका जो चार्जेज है, क्योंकि चार्ज आपको बताना पड़ेगा, यदि आप चार्ज नहीं बताते हो तो फिर कस्टमर बाद में देने में दिक्कत देता है, कहेगा कि आपने कुछ करा नहीं है। तो आप उसमें अपना चार्ज जो भी आपका 200, 400, 500 जो भी आपका चार्जेस बनता है, विजिटिंग चार्ज कहते हैं, जो हमारी मशीन चेक करने के लिए होता है, तो मैडम मैं आपसे इतना पैसा चार्ज करूँगा और जो भी होगी दिक्कत मैं आपको बता दूंगा। यदि कोई नॉर्मली कुछ वायर वगैरह कुछ छोटी मोटी होगी तो इसी में हो जाएगी, यदि कुछ चेंजिंग होगी या कुछ गैस चार्जिंग अलग से होगी उसका पैसा अलग लगेगा। तो कस्टमर क्या कहेगा ठीक है आप चेक कर लो, फिर आपने मशीन चेक करना है। तो चेक करने में हमें सबसे पहले एम्पीरियोमीटर लगाना है, और जैसे ही हम एम्पीरियोमीटर लगाएंगे तो उसमें हमें 2-3 कंडीशन उसमें मिलेंगी आपको, या तो एम्पीयर बढ़ेगा या नीचे घटेगा या बिल्कुल एक्यूरेसी में रहेगा, यानी कि हमारी मशीन के अकॉर्डिंग वो एम्पीयर चल रहे हैं। मान के चलो एम्पीयर हमारे घट रहे हैं, तो घटने में 95% गैस का रीजन होता है कि जो एम्पीयर घटता है, या हमारा एम्पीयर रेगुलर सेम चल रहा है लेकिन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी उसकी जो बढ़ने की दर बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसमें जो फॉल्ट बनता है उसमें सबसे पहला फॉल्ट जो बनता है वो सर्विसिंग का वोल्टेज का बनता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही एम्पीयर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमें सबसे पहले मशीन के अंदर हमें वोल्टेज चेक करना है। तो यदि हमारी वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी मान लो हमारे उसमें 250 है 260 है, तो वो नेचुरल है कि वोल्टेज की वजह से ज़्यादा आरपीएम बढ़ेंगे और उससे हमारा उस मशीन में फॉल्ट बनेगा। तो फिर हम उसमें देखेंगे कि भाई इसके अंदर हमारा ये वोल्टेज यदि ज़्यादा दे रहा है तो आपने फिर उस मशीन को उससे डिस्कनेक्ट कर दो स्टेपलाइजर से, फिर डायरेक्ट किसी भी पॉइंट से आप उसको चला के चेक कर लो। फिर उस मशीन को हमें जब रन कराएंगे तो फिर यदि हमारा एम्पीयर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी वोल्टेज की प्रॉब्लम है। तो आप कस्टमर को बोल दो कि मैडम ऐसा है आपके इसके अंदर ही दिक्कत थी और स्टेपलाइजर में आपका एसी बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आपको लग रहा है कंडेंसर भी गंदा है, क्योंकि आप जब मशीन चेक करोगे तो आप कंडेंसर फॉइल वगैरह, तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा मैडम आपकी मशीन सर्विस भी मांग रही है तो आपको तो मैं इसकी सर्विस भी कर देता हूँ। तो यदि सर्विस कस्टमर तैयार हो जाता है तो सर्विस भी आप उसकी करो। यदि एम्पीयर बहुत जल्दी से बढ़ता है, यानी कि जैसे ही आपने एसी चलाया तुरंत हाई एम्पीयर हो गया, तो अब दिक्कत ज़्यादा है, यानी कि दिक्कत ज़्यादा का मतलब है कि कंप्रेसर रिलेटेड प्रॉब्लम बन रही है। तो कंप्रेसर रिलेटेड प्रॉब्लम में 2 ही प्रॉब्लमें आएंगी, या तो कंप्रेसर खराब हो गया या कैपेसिटर खराब हो गया। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी रेजिस्टेंस वगैरह कॉमन स्टार्टिंग देखनी है, कोई ऐसा नहीं कोई वाइंडिंग इसकी खराब हो गई, सिर्फ एक ही वाइंडिंग झटका ले रही हो, क्योंकि दोनों वाइंडिंग यदि झटका लेती तो कंप्रेसर रन करता अच्छी तरीके से, तो मतलब ये है कि एक ही वाइंडिंग रन कर पा रही है और उसकी वजह से हमारा एम्पीयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस केस में आपने एक बार पहले वाइंडिंग चेक कर लो, यदि वाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है तो एक बार कैपेसिटर आपको चेंज करके देखना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैपेसिटर हमेशा आपने बैग में रखने देखना है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने की मिलेंगी। और यदि बिल्कुल परफेक्ट रनिंग एम्पीयर पे चल रहा है और कोई भी इसमें ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वो मशीन सिर्फ सर्विस मांग रही है, आप उसकी सर्विस करो और कस्टमर ने सर्विस के लिए ही बुलाया और आप उसको ओके कर दो, ठीक है ना। और नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है तो नॉइज़ आपको फिर देखनी पड़ेगी, नॉइज़ किस चीज़ में आ गई है। तो नॉइज़ ज़्यादातर तो ब्लोअर या फैन की वजह से ही नॉइज़ बनती है, और तो कोई ज़्यादातर रीज़न होता नहीं है इसके अंदर। तो यदि फैन कहीं अड़ रहा है या फैन में कुछ आपको लग रहा है कि घूम घूम की आवाज़ आ रही है, तो घूम की आवाज़ से वजह होती है कि बैरिंग आवाज़ करने लगते हैं इसके, ठीक है ना। फैन की तो अड़ रहा है तो वैसे ही अलग से आवाज़ आपको महसूस होगी, ठीक है ना। यदि घू की आवाज़ आ रही है तो बैरिंग का, तो बहुत से लोग इसको रिपेयर भी करा लेते हैं मोटर बैरिंग की वाली, और बहुत से चेंज करवा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कस्टमर क्या खर्चा करना चाह रहा है। तो हमने ये चीज़ समझ ली। अब इसमें एक तो हमारा काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क में हमारा कंप्रेसर और मोटर आ जाएगी, ठीक है ना।
और टाइपिंग साइकिल में देखा जाए तो हमारी कॉइल है इसके साथ कंप्रेसर के साथ अटैच होंगी। तो अब इसको देख लेते हैं कि मशीन प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम एम्पियर चेक करेंगे लव वायर। चलते चलते अगर धराम धराम से करने लगा तो धराम धराम वो कंप्रेसर ही काम नहीं करता है। यदि उसको अंदर वाले चेक करना। और शुरुआत में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी मशीन चला रहे हो बिल्कुल खड़ा नहीं होना है। कभी भी आप ऐसे अपोजिट इधर खड़े हो जाओ या इधर खड़े हो जाओ इधर खड़े हो जाओ, लेकिन कंप्रेसर के बिल्कुल पास में नहीं होना है कैसा भी चीज़ हो। क्योंकि हो सकता है पहले कोई क्या कर गया कुछ आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। तो या कंप्रेसर में ज़्यादा यदि एम्पियर बढ़ रहे हैं तो कभी कुछ उसमें दिक्कत ना आ जाए। तो कंप्रेसर को ये समझना है कि शुरुआत जब भी कंप्रेसर आप चलाओ क्योंकि कंप्रेसर जैसे जैसे आप यहाँ खड़े हो तो कभी कभी ये टर्मिनल फट जाता है, और ये टर्मिनल जब फटेगा हीट होने की वजह से तो एक तरह इस समझ लो गोली से की तरह स्पीड जाएगी और ये निकल गया तो तुरंत ही आर पार कर देगा दीवार, समझो कई इंच अंदर प्रेशर इसमें रहता है ना। तो ये टर्मिनल फट जाते हैं और जब टर्मिनल फटते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी भी इसको बहुत झांकना नहीं है ना देखना है चलते है ना। तो ये यदि कंप्रेसर हाई एम्पियर है क्योंकि जैसे ही चलेगा तो इसमें प्रेशर ऐड होगा, और यदि ये कमज़ोर हो गया तो ये फिर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी खड़े हो रहे हो तो अपना ध्यान से खड़ा होना, कभी भी इसके सामने खराब नहीं खड़ा नहीं होना। गैस होता है ना, चलो आ जाएगा लगाओ। चलिए तो अभी कितना एंपियर आया है? जीरो। अब कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है, कितनी लेनी चाहिए सर वैसे नॉर्मल इसमें? सात सात या सिक्सटीन ले रहे हैं ना। कंप्रेसर प्रॉपर चलानी, एक बार इसकी रनिंग स्टार्टिंग चेक करो ये कनेक्शन सही हुए हैं। कौन इंजीनियर था? दूसरी वाली अच्छा दूसरी रुको चलाओ जी चलाओ। तो अभी एम्पियर किसके आए हैं? जीरो पे घंटे बहुत ज्यादा है, कंप्रेसर का ही कांड कर दिया इसका। इसका कॉमन दे दिया इसमें कैपेसिटर में, कॉमन है ना इसका, कॉमन जाएगा कॉमन इसमें है दिया ब्लू कलर का है। देखो कॉमन है क्या ब्लू? हाँ कॉमन तो है ब्लू है तो ये रेड नहीं, स्टार्टिंग है कॉमन वहाँ है ना, कॉमन तो वहाँ आएगी ना।
किसने करे थे कनेक्शन अब ठीक हुआ अब चल गया ना सही चल गया कंप्रेसर सर किसने बताया मैं सारा कुछ एमपीएल की मदद से हमें पता पड़ा और ठंडी हवा एकदम से आने लगी ठीक है और कूलिंग करने लगा देखिए सर ठंडा होने लगा पर ठंडा होने लगा देखो गैस जम रही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गैस हट जानी चाहिए थोड़ी देर में यदि गैस नहीं हटेगी तब आप उसको बोल सकते अब इसको थोड़ी देर चलने दो अब हमें एम्पियर पे ध्यान देना यदि हमारा एक्यूरेसी में चल रहा है एम्पियर एक जगह रुक जाएगा 7-8 के बीच में रुक रहा है तो इसका मतलब हमारी मशीन ठीक है ठीक है ना ये हो रहा है तो पीछे वाली संख्या तो फ्लक्चुएट रहेगी आगे नहीं होगी अगली वाली नहीं होगी तो जैसे ये आई से यदि नहीं हटी तो इसका मतलब इसके अंदर हमारी गैस कम है ये हट गई तो प्रॉपर है गैस क्योंकि मशीन खुलने में रुक गई है ठीक है ना शुरुआत में कोई फैसला ले नहीं लेना 5 या 10 मिनट का टाइम आपको देना ही पड़ेगा मशीन ठीक है हट गई आई थी बराबर गैस और ठंडी भी है ठीक हो रही है तो आपको यदि एम्पियर हमारे प्रॉपर चल रहे हैं बढ़िया तरीके से तो हमारी मशीन ठीक है यदि एम्पियर बढ़ते या घटते तो फिर हमें उसमें काम करना पड़ेगा तो अब तो घटू घट गया ना 6.5 घटना है तो कोई बढ़िया बात है यदि हमारे एम्पियर यदि घट रहे हैं और प्रॉपर कूलिंग कर रहा है तो इसका मतलब मशीन अच्छी प्रॉपर काम कर रही है ऊपर नीचे हो रहा है तो सर भेज पा रहा है यदि आइस आ रही है तो इसका मतलब ये लीक नहीं है अभी ये फ्रॉस्टिंग आ रही है अभी हट जाएगी थोड़ी देर हाँ यदि फ्रॉस्टिंग हार्ड हो गई तो ये लीकेज मान जाएगी हट रही है मतलब 10 मिनट तक 15 मिनट चलनी चाहिए 15 मिनट आप लोग नए हो आपको थोड़ा टाइम मशीन को चला के देना ही पड़ेगा 15 मिनट 20 मिनट कहीं ऐसा ना हो गया अब उस मशीन में कोई दिक्कत थी तो मैंने लगा 2 मिनट 5 मिनट चला के सही है और सर्विस कर दी और बाद में उसमें दिक्कत आ गई कस्टमर को आधा घंटे बाद दिक्कत आ रही है तो वहाँ तुम्हारे फिर सिर पड़ जाएगी मशीन क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं है एक बार में आप उसको चाहे 1000 का खर्चा बताओ 10000 का तो तैयार है लेकिन पहले आपने बता दिया उसको 500 रुपये खर्चा सर्विस में जी ओके हो जाएगी बाद में पता पड़ी उसमें से गैस लीकेज 2500 रुपये और लगेंगे फिर वो शक करेगा तुम्हारे ऊपर कि यानी कि भैया तुमने करी होगी पहले बताते यदि ऐसा कुछ है तो आप इंजीनियर हो या झोला छाप हो ठीक है ना तो फिर उसमें वहाँ पर फिर क्या गैसबाजी हो सकती है इसलिए खर्चा कस्टमर को पहले ही करा बताओ कि करे करवाए या ना करवाए उसकी मर्जी है ठीक है तो अब इसमें गर्मी में सर्दी का एहसास हो चुका है मैं जैसे मान के चलो ये मशीन है अब इसके अंदर हमें क्या गैस चार्जिंग करनी है तो हमें सबसे पहले अब हमारी मशीन मान चलो ये एम्पियर आ रहे थे 4 एम्पियर या 3 एम्पियर या 5 एम्पियर तो फिर आपको हल्की फुल्की कहीं आइस आपको दिखने को मिलेगी और वो हार्ड होती चली जाएगी आइस समझ रहे हो तो उसका मतलब इसमें गैस लीकेज है
तो उस केस में हमें गैस डालनी है। तो आजकल तो ये जैसे पंच वाला टाइम तो अब चला गया, आप ज़्यादातर इसमें पिनवाल लगाया जाता है, यदि पंच लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको ये पंच तोड़ना पड़ेगा, जब पंच तोड़ोगे तो इसमें गैस निकलेगी। और कस्टमर के घर में कभी भी पंच तोड़ोगे तो हल्की फुल्की जैसे कस्टमर आवाज़ होती है तो आवाज़ नहीं करनी, कम से कम आपको ऐसे करना है कि कम से कम कस्टमर का हो, तो ये प्रेशर एक संग नहीं निकलना चाहिए। यदि एक संग प्रेशर निकल गया तो ऑयल भी साथ में निकल सकता है इसके, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इसको पंच को तोड़ना है और फिर इसके अंदर गैस डालनी है। एक बार सिलेंडर में देखना क्या नंबर की गैस है हमारी, गैस यहीं से डले तो कैसे पता पड़ेगा सिलेंडर में क्या नंबर गैस है, कौन बताएगा? सर इसका वाल होता है, वाल का नंबर होता है शायद। वाल का नंबर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये सिलेंडर है मेरे पास है, रखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसमें गैस कौन सी है, कैसे पता पड़ेगी 22 है या 32 है? तो लिखा हुआ होगा सर, इसमें कोई मतलब ये होता है, बताए थे आप, मैं दिमाग से निकल रहा है कुछ ऐसा ही। इसमें 32 भी डाल देते, 22 भी डाल देते, मतलब नहीं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता ना 22 है या 32 है। चलो बताते हैं कि वो चार्जिंग लाइन लेके आओ, ये छोटा वाला मीटर भी लेना, लाल वाला, और रिंच भी ले आओ, रिंच एक ले आओ, रेड वाला बस एक ही मीटर ले आओ, लगाओ इधर। तो 32 नंबर का तो नहीं है, तो फिर 32 नंबर का तो इसमें कैसे लगेगा? हाथ से टाइट कर दो, इतने हाथ से हो जाए बस, अभी से खोल दें से। वाल बंद है उधर का, खोलो। बस अब कितना प्रेशर आ रहा है अभी? 280। कितना? अगर 60-70 280 यानी कि आपका जो प्रेशर है वो आपका 200 से ऊपर का प्रेशर है, 250 के आसपास प्रेशर हो गया। तो 250 के आसपास का प्रेशर कौन सी गैस का? R32। हाँ, इसमें R32 बंद करो इसे। सर कम होता है 130 होता है, 150-160 के बीच में रहेगा, तो R22 रहेगा। चलो बंद करो। तो फिर गुरु जी इसके अंदर कम गैस है तो भी ये सेम प्रेशर आएगा? हाँ, गैस का प्रेशर सेम ही होता है। चलो खोल लो हाथ से, अब हाथ से खोलोगे तो इसमें थोड़ी सी गैस निकलेगी, ठीक है, धीरे धीरे। और ये हाथ को भी जला देती है कभी भी, यदि यहाँ से टूट जाता है तो हाथ से जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो क्या उंगली गल जाएगी आपकी, तो कपड़ा लगा के कुछ करना है। चलो हमारे दोस्त, अब जैसे हमें इसमें गैस डालनी है तो इस पंच को तोड़ो, यहाँ पे एक कपड़ा पड़ा है देखो कहीं, चलो इसी गलो, इसमें गैस डालनी है, हाँ इसी में डाल, इसी में उसमें भी डाल देंगे, विंडो बता देते ना, विंडो खत्म करते हैं। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं करना ऐसे, ऊपर ऊपर से पकड़ लो, इसकी तो गैस निकल जाएगी सर, और ऐसे ऐसे निकलेगी नहीं। आराम से आराम से, इतनी निकलने से ज़्यादा तेज निकालोगे तो ऑयल भी आ सकता है, क्योंकि कंप्रेसर हमने चलाया ना, ये हम कंप्रेसर नहीं चलाते तो फिर ऑयल नहीं आता, ऐसा क्यों, कौन बताएगा? हीट हो गया ना, यदि हम इस एसी नहीं चलाते तब गैस उड़ाते तो ऑयल कम से कम आता, लेकिन अभी क्या है कि हमने कंप्रेसर चला दिया है तो अब ऑयल आ सकता है मशीन में, वो ऑयल क्या है गर्म होने से क्या है उबल गया है,
रनिंग कर दिया पूरे में, इसमें जितना गैस सारा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हमें करना है छोटा, तो कम से कम 50% इसको हम छोटा कर देंगे। वैसे सर बड़ा कर दें तो कोई दिक्कत है? देखो बड़े करने से नुकसान ये होता है कि इतना लंबा, क्योंकि हल्की चीज है इतनी लंबी रहेगी तो वाइब्रेशन से यहाँ से क्रैक होने का डर रहता है। तो ब्रेज लाओ, ब्रेजिंग का सामान ले आओ। ये टाई से एक टाई हटा लो, क्योंकि इस पर हिल जाएगी तो ये भी जल जाएगी। इसको हमें थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ठीक है? इस पत्ती से लगाने से दो फायदे रहते हैं, कौन कौन बताएगा? एक हीट जल्दी होती है और दूसरा प्रॉपर कुछ ही जलने से बचती है। एक तो हीट प्रॉपर जिस चीज पे हम लगा रहे हैं उसी जगह एक जगह पे रहेगी, और फिर दूसरी चीजें हमारी नहीं जलेंगी। ठीक है, तो इसको आपको लगाना है। ब्रेजिंग रॉड भी लेके आओ, रॉड लाइटर भी ले आओ। लाइटर तो मुझे किसी के पास होगा। एक रोड और दी, पकड़ के कर लेंगे सर प्लास से। कोई छोटे वाले से पकड़ लो, थोड़ी सी पाइप होगा, एक दो पाइप होगा ना, वेल्डिंग ब्रेजिंग करना सीख लेना। ठीक है, तो इस पे मैं सर लाइटर ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं, तो मैं कर रहा था मैं तो इन्हें बाहर मुझे मार। एक दो पाइप टुकड़े काट लेना, पाइपों को छोटे, और उनको थोड़ा वेल्ड करके देखना। सर ये खराब हो रहा है, ये शायद ये सर ऐसे ऐसे करके वो बन जा रहा है, ये देखो चूड़ी बन जा रही है, ये देखो सर कैसे हो रहा है। मैंने भी सुबह कोशिश कर रहा था, ऐसी हुई है एक बार उल्टा सीधा करना होता है ना। हाँ, ये तुमने चूड़ी बनाई है इसमें, पार्ट तो प्लास से इससे फिर कर लेंगे। नहीं करके देखते हैं कि तुम लोग सही बोल लो या झूठ बोल लो, ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ वो है, वो तो एक ही साइड घुमा रहे थे ऐसे, तुम चूड़ी बनाते चले गए। अच्छा, फिर निकाल दी इसके, फिर आपने इसको नोज प्लास से सामने से एक बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी, पता है? एसी में हेल्पर की जरूरत इसलिए ही पड़ती है। अब ये जो है यहाँ से सामने से इसको पकड़ना पड़ेगा, अब ये एज इट इज ऐसे ही पकड़ के रखना है आपने, जब तक हमारा टांका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं लग जाए। पकड़ो, कोई कौन पकड़ेगा बंदा नहीं, थोड़ा हाथ पीछे जितना हो सके पीछे लेके जाना हाथ को, गर्म होगा ना वो थोड़ा। चलो लगाओ टांका, हल्का सा ढीला कर लो, कम अब हीट करो। अब नया पाइप है तो बिना पाउडर के भी लग जाएगा टांका, पुराने पाउडर पे रिफिल वो होती है। शुरू में तेज करो, लगाओ कहाँ का लगाओ, टाका बह ज्यादा रहा तुम्हारा, ठीक है ना, अंदर भी दिया टाका। ये इस तरह टाका लगाओगे तो टाका क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे लगाना, क्योंकि तुम लगाते रहोगे माल अंदर गुल गुल के जाता रहेगा, ठीक है ना। चालू करो बड़ी सर, इससे पकड़ लो, वो हो रहा है हाथ थोड़ा सा हीट आ गया हाथ पे, हल्का सा बस। ये लाल हो गया तो हम इस पर क्या है, माल हमें इसको चढ़ाना है, मतलब अब टांका तो वैसे तो घुल गया है, लेकिन अभी जॉइंट में क्या है, टांका घुला नहीं है, लोड है नहीं लंबी, क्या पिलाओ।
हमें गांठ सी खत्म करनी पड़ेगी जिसमें ये यहाँ पर ये माल हमारा चढ़ेगा तभी टाँका हमारा मजा देगा। हमारा माल जान पर चढ़ चुका है ठीक है। दो मिनट खड़ा करेंगे कोई कपड़ा पूछ सकते हैं ठंडा करने के लिए। तो अब टाँका घुल चुका है हमारा प्रॉपर, हटा लो। अब देखो इसका ना ज़्यादा हीट की वजह से ये भी थोड़ा सा मेल्ट हो गया है जी। अब इसको हम टाँका नहीं लगाएंगे तो ये गिर जाएगा यानी कि यहाँ से भी लीक हो सकता है। तो हमें टाँका लगाने के लिए हमें फिर ये पत्ती हटानी पड़ेगी लेकिन इसके लिए पाउडर की जरूरत पड़ेगी हमें थोड़ा क्योंकि पीतल का है वो ना। पाउडर की ड्रिप भी उठा लेना वहाँ से वाल हमारा थोड़ा सा नॉर्मल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कट गया है क्योंकि वो हमने वो भी बेस्ट निकाल दिया है और जब हीट इस पे पड़ी तो ये भी मेल्ट हो गया ना। अब ये जो टाँका लगता है ये रंग से लगता है, रंग पता है शोल्डर जो पीसी में लगता है तो ये टाँका वो वाला है। तो अब ये हिल गया है तो यदि हमने नहीं लगाया तो यहाँ से लीक होने लगेगा ठीक है। तो अब हमें टाँका यही वाला टाँका इस पर लगाना है तो लगेगा कैड़ा लेकिन लग जाएगा ठीक है। इसको थोड़ा सा पकड़ लो नोज प्लास से नहीं वो ज्यादा बढ़िया अंदर डाल के ज्यादा बढ़िया रहता है। लाओ जलाओ फ्लैक्स नहीं होगा तो टाँका चढ़ेगा ही। ठीक है अब हमने इस पर टाँका चढ़ा दिया है अब इसमें क्या आ गई मजबूती आ गई। छोड़ दो हटा लो हो गया छोड़ दो। अब हमारा वाल कंप्लीट है लग जाता है तो इसमें हमारा कौन सा प्रोसीजर चालू होता है गैस लीकेज चेक करना। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे कंप्रेसर है क्योंकि आज मेरे बाइक में है नहीं कंप्रेसर नहीं तो मैं इसमें प्रेशर डाल देता या फिर हम कल प्रेशर डाल सकते हैं। यदि प्रेशर डालना देखना है तो आपने कैसे करोगे तो पहले चेक करेंगे सर लीकेज कैसे है कि नहीं नहीं लीकेज चेक कैसे करेंगे हम लीकेज लीकेज चेक करेंगे गुरुजी उसके बाद से चेक करेंगे जैसे वहां चेक करेंगे। देखो लीकेज चेक करने का तरीका यह है जैसे हम इसमें एयर डालेंगे एयर इसके अंदर हम 350 से लेके 400 के बीच में आराम से डाल सकते हैं 400-450 भी डाल सकते हैं। वैसे मैं पूछ रहा था जैसे कम हम डालें तो कोई दिक्कत हो सकती है कम में दिक्कत ये होता है जो माइनर लीकेज होती है बहुत छोटी लीकेज है वो कम मिलती है उसमें। मान चलो आपने 200 ही प्रेशर डाल दिया तो उसमें क्या होता है 225 लीकेज करेंगे या 400 में फर्क आ जाएगा ना प्रेशर कम बन पाएगा तो उसमें प्रेशर कम बन पाएगा। वैसे तो पता आपके अच्छा वैसे तो प्रेशर तो डालना सबको पता ही है चेक तो कोई प्रेशर ही डालना पता है तो फिर मैं इसमें गैस डालना बता देता हूँ ठीक है। डालें गैस जब लीकेज हमारा चेक हो जाता है फिर हम उसके बाद जो लीकेज होती है उसको रिपेयर करते हैं। मान के चलो हमें यहाँ पे लीकेज मिल गया और हम क्या करेंगे जब हमने प्रेशर डाला सबसे पहले प्रेशर उड़ाना पड़ेगा प्रेशर जरूर उड़ाएंगे नहीं तो कहीं पर तुमने प्रेशर चलते हुए डाल दिया तो फट यहाँ से प्रेशर निकलेगा बहुत ज्यादा सबको नुकसान हो सकता है। जब प्रेशर उड़ा दोगे फिर ये टाँका लगाओगे फिर दोबारा एक बार प्रेशर डालना पड़ेगा रीचेकिंग कहते हैं इसको यानी जो टाँका तुमने लगाया वो प्रॉपर लगा भी है या नहीं लगा है। तो फिर जब इसमें प्रेशर डाला जाएगा
तो उस केस में फिर ये टाका हम दोबारा लीकेज चेक करेंगे तो परफेक्ट होना चाहिए। यदि परफेक्ट है तो हम एयर को दोबारा उड़ा देंगे। उसके बाद हम मशीन को वैक्यूम करेंगे, तो वैक्यूम हम कंप्रेसर से भी कर सकते हैं और वैक्यूम पंप से भी कर सकते हैं। तो जो वैक्यूम पंप होता है 4000 के आसपास आता है, अच्छी कंपनी का यदि आप ले रहे हो तो वो वैक्यूम लगा के आप इसकी वैक्यूम, ये होता है कि कोई एयर तो नॉर्मली क्या होता है कि निकल गई इसकी सारी, लेकिन इन्वायरमेंट की एयर अभी भी इसमें बाकी है। तो इन्वायरमेंट की जो एयर है उसको निकालने के लिए हमें इसमें सक करनी पड़ेगी इसकी पाइपों को, तो वही वैक्यूम काम करता है। और वैक्यूम निकालने के बाद फिर इसके अंदर गैस डालते हैं। सर ब्रीजिंग करते हैं जब ब्रीजिंग करते हैं तो उसमें आग कैसे लग जाती है? प्रेशर से आग कैसे लग जाती है? प्रेशर से आग, जब ब्रीजिंग करते थोड़ी सी प्रेशर उसमें रह जाती है ना, तो आग कैसे लग जाती है? गैस देखो ये जो आर 32 और आर 22 है इसमें गैस में आग नहीं लगती है, लेकिन जो पकड़ती है ना ब्रीजिंग करते हुए देखा, जो फ्रिजों में लगाते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन गैस डलती है क्योंकि वो एलपीजी मिक्स होती है गैस, उसमें आग लगती है। इन गैसों में आग नहीं लगेगी, अगर इन ये गैसें आपका मुंह जला सकती हैं क्योंकि आपका एक संग इनपुट आउटपुट को बढ़ा देंगी, ये एक संग भपका सा एक संग तेज स्पीड से आएगा, समझो? तो इससे ज़्यादा केस हो सकता है, मतलब कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको चीज़ें देखनी है, यदि आपने इसमें प्रेशर के साथ देखना है तो कैमरा फोन आ गया, यदि इसे प्रॉपर देखना है तो आप इसमें मंडे में देख लेना, बाकी और चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ। कंप्रेसर आ जाएगा तो फिर कर लेना, इससे तुम्हें थोड़ा वैक्यूम कैसे लगानी है क्योंकि पिन के अंदर रबड़ होती है, इसके अंदर जल जाएगी।